डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एमकेएल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक्सरसाइज नंबर 11.2 जो प्रॉफिट और लॉस पर आधारित है उसके क्वेश्चन नंबर 29 का सलूशन करेंगे। क्या देखिए रखा है क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए कि रेशमा ने दो शर्ट में से प्रत्येक को 725 रुपया में खरीदा। ठीक है, दो शर्ट खरीदा कितना में, 725 करके एक। ठीक है, तो जब खरीदा तो इसका मतलब क्या देके रखा आपको, क्रय मूल्य देके रखा, सीपी देके रखा है। इनमें से एक को उसने 8% लाभ पर, देखिए एक को कितना में बेचा, 8% लाभ पर, एवं दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया। देखिए क्या किया, एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 और 28 उसी बेसिस पर ये भी क्वेश्चन है कि नहीं। यानी हमको इसमें सीपी दे के रखा है, पहले वाले में क्या दे के रखा था, एसपी दे के रखा था। तो जब सीपी दे के रखा है तो हमको यहाँ पर क्या निकाल लेना, एसपी निकाल लेना है। फिर पता कर लेंगे कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी वही करते चलेंगे, स्टेप लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, स्टेप वन, स्टेप वन, यानी स्टेप वन में जब उसको क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो स्टेप वन में दोनों में तो सीपी वही होगा, शर्ट का सीपी, सीपी कितना है 725 रुपया, एक में 725 रुपया, और उसमें प्रॉफिट कितना कमाई है, कितना प्रॉफिट परसेंट है, 8%। ठीक है, इसीलिए यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, एसपी निकाल लेंगे कि वो उस शर्ट को कितना में बेची कि 8% उसको नफा हुआ। तो बेचने का क्या होता है इसका फॉर्मूला बताएं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बटे में 100 और गुणा सीपी, यही होता है ना एसपी बराबर फॉर्मूला। तो 100 यहां पर दे दीजिए और प्रॉफिट परसेंट कितना उसका हुआ, 8/100 और गुणा सीपी 725 रुपया। यहां से 108 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 और गुणा 725। ठीक है, ये 5 है, 725 यहां से काटिएगा तो 25 चुका 100 और 29 गुना 25 होता 725। ठीक है, और ये काटिएगा तो कितना आएगा, 4 × 8 = 28 27 × 29, यानी सीपी आपका क्या आ गया इसमें 27 × 29, और 27 × 29 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63, 9 × 2 = 18, 7 × 2 = 14 = 18 और 4 × 22 = 32, 32 × 6 कितना हो जाएगा, 38, 38 × 8 2 × 4 = 7, यानी 783। पहला स्टेप में कितना में वो उस सामान को बेची, उस शर्ट को 783 रुपया में। ठीक है, अब स्टेप टू में जब उसको लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ उसको, 4% का। तो लिखेंगे इसमें भी सीपी तो वही होगा, उतना ही मैं खरीदा था 725, लेकिन उसको इसमें लॉस हो गया कितना का, 4% का। और हम इसीलिए एसपी का फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉस की कंडीशन में क्या पढ़े हैं, 100 - लॉस परसेंट / 100 और गुणा सीपी, यही तो पढ़े हुए हैं। यानी यहां से आपका क्या आ जाएगा, 100 - लॉस परसेंट 4 / 100 और गुणा सीपी, यही फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अब 100 में से 4 अगर घटाइएगा तो कितना आपका बचेगा, 96 / 100 और गुणा सीपी कितना है, यहाँ पर बैठा देना था 725, चलिए यहाँ बैठा दिए, काटेगा फिर वही 25 चुका 100 और 29 गुना 25 725, यहाँ से काटेगा तो कितना आएगा, 4 × 8 = 16 यानी 24 × 29। ठीक है, और 24 × 29 आपका क्या आ जाएगा, 696 कितना आएगा, 696। यानी स्टेप टू में एसपी कितना हो गया, 696 जब उसको लॉस हुआ। तो देखिए यहां से क्या कर लेंगे, दोनों एसपी निकाल लेंगे, यहां से लिख लेते हैं, इसीलिए टोटल एसपी यानी दोनों को कितना में बेचा, तो दोनों को पहला वाला को किस में, कितना में, 783 रुपया में बेचा,
क्या लिखेंगे, 783 प्लस दूसरा वाला को कितना में बेचा, 696, 696 दोनों को जोड़िए, 6 × 3 = 9, 9 × 8 = 17 और 713 और 1 = 14, 1479 रुपया। ठीक है, यानी दोनों को मिलाकर कितना में बेचा हुआ, 1479 रुपया में। फिर ये निकाल लेते हैं कि दोनों को कितना में खरीदा, टोटल सीपी। तो देखिए, दो शर्ट को खरीदा, एक को 725 रुपया में, तो 2 × 725 ये होगा ना, यानी 1450 रुपया में। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइए, आपका एसपी क्या आ गया, छोटा आ गया, सीपी बड़ा आ गया, है ना, सॉरी एसपी बड़ा आ गया, सीपी छोटा आ गया, है ना, ये 1479 है, 1450 है। तो देखिए, कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेचा, इसका मतलब उसको लाभ होना ही होना है। लेकिन चूंकि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, देयरफॉर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100%, यही तो होता है। यहां से निकालिएगा तो एसपी आपका है 1479 और सीपी है आपका 1450, तो सी बटे सीपी, तो 1450 गुना 100%, यही होगा, होगी नहीं, यानी यहां से अगर आप निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहां से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 29, तो 29 बटे 1450 और गुना 100, 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, और यहां से 29 × 5 145, देखिए 29 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया, 2%, यानी उसको ओवरऑल कितना हुआ, 2% का लाभ हुआ। एक चीज दिमाग में रखिए, यदि सेम दाम में खरीदा जाए, है ना, किसी वस्तु को सेम दाम में खरीदा जाए और एक वस्तु पर ज्यादा लाभ हो और एक वस्तु पर कम हानि हो, तो ओवरऑल उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं, क्या देखिए रखा है, कि सचिन ने 2 क्रिकेट बैट खरीदा। ठीक है, सचिन ने 2 क्रिकेट बैट खरीदा जिसके क्रय मूल्य क्रमशः 560 और 240 है। ठीक है, यानी दोनों अलग अलग दाम में खरीदा, एक को 560 रुपया में खरीदा, एक को 240 रुपया में खरीदा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य अलग अलग है। उसने पहले बेट को 15% लाभ पर, ध्यान से देखिए, यानी जो 560 रुपये में खरीदा उसको कितना प्रतिशत लाभ पर, 15% लाभ पर बेचा, तथा दूसरे क्रिकेट बैट को 5% की हानि पर बेच दिया, यानी जो 240 रुपये में बेचा उसको 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो बेच दिया, तो दोनों बैट में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन में कर लेते हैं, पहले बैट के लिए। ठीक है, तो क्या है, उसको कितना में खरीदा, सीपी यानी उसको कितना है, 560 रुपया, ये है ना, और इसमें उसको क्या हो गया, 15% का प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 15%। ठीक है, तो यहां से हम लोग एसपी निकाल लेंगे, इसीलिए एसपी बराबर, और एसपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वही होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 × सीपी, यही तो होता है, यानी यहां से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट 15 बटे 100 और गुणा सीपी, सीपी आपका कितना है, 560, यानी 115 बटे 100 गुणा 560। ठीक है, और यहां से अगर आप काटिएगा तो काट दीजिए, 10 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 5 × 10, यहां से 5 × 10, उसके बाद 5 × 15 23 बार में, यहां से 28 × 56 23 और 28 को आप गुना कीजिए, कितना आएगा, 23 और 28 को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 644 रुपया, कितना, 644 रुपया, यानी पहले बेट को वो कितना में बेचा, 644 रुपया में। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे बेट के लिए, अब दूसरे बेट के लिए, बेट के लिए, ठीक है, तो दूसरे बेट के लिए उसका सीपी कितना था, 240 रुपया, है ना, लेकिन इसमें उसको कितना का लॉस हुआ, 5% का लॉस हो गया,
लॉस परसेंट 5%, ठीक है। यहां से भी एसपी निकाल लेंगे, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100 और गुना सीपी, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी यहां से अगर आप निकालते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना 5 बटे 100 और गुना सीपी 240। यहां से कीजिएगा तो 95 आएगा, 95 बटे 100 गुना 240, ठीक है। 100 कट जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 2 × 12 = 24। यानी अगर आप 12 और 19 को गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 12 और 19 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 252, नहीं, अच्छा गुना करके देखते हैं, 19 × 5 = 95 होता ना, यानी 19 × 12 9 × 18 2 × 9 = 11 और 1 × 12 1 × 1 = 2 228, कितना हो जाएगा, 228 रुपया, ठीक है, समझ में आया। यानी पहले बैट को का एसपी 644, दूसरे बैट का एसपी 228, तो टोटल एसपी निकाल लेंगे, इसमें भी वही कर लेंगे, देयरफॉर टोटल एसपी, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 644 और प्लस 228, यानी जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 × 4 = 12 और 4 × 2 = 6 और 1 = 7 6 × 2 = 8 872 रुपया, यानी दोनों मिलाकर के उसको कितना में बेचा वो, 872 रुपया में, ठीक है। अब यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, टोटल सीपी निकाल लीजिए, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना है, एक को 560 में खरीदा था और एक को 240 में खरीदा था, यानी दोनों को जोड़िएगा तो 5 × 2 = 700 रुपया, यानी टोटल सीपी उसका कितना हो गया, 800 रुपया। तो ध्यान दीजिए, एक ध्यान देने वाली बात कि 800 रुपया में खरीदा था, 872 रुपया में बेचा, यानी ज्यादा दाम में बेचा, इसका मतलब क्या हो गया, एसपी बड़ा है सीपी से, इसीलिए उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, हुआ कि नहीं। और यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी तो गुना 100%, ये होता है ना। और यहां से एसपी आपका 872 माइनस 800 बटे सीपी कितना है, 800 और गुना 100, ये होगा परसेंट। यहां से 872 से 800 गया तो 72 बटे 800 और गुना 100%, यहां पर 0000 कट जाएगा, 8 × 9 = 72, यानी उसको ओवरऑल कितना हुआ, 9% की क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, समझ में आ गया।